तो रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल एक्शन में है। मेयर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो शिवनगर वार्ड नंबर 7 का बताया गया है। मेयर को कहीं से शिकायत मिली थी कि यहां ठेकेदार घटिया सामान इस्तेमाल कर नाली बनवा रहे हैं। शिकायत पर रुद्रपुर के मेयर और मुख्य नगर अधिकारी दोनों दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और वहां निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की, जिसमें घटिया ईंटों से नालियों का निर्माण कराए जाने पर मेयर नाराज हो गए और उन्होंने नाराजगी जताते हुए ठेकेदार पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य नगर अधिकारी के साथ नालियों को दोबारा तोड़वाकर बनवाने के निर्देश भी दिए। तो ये उधम सिंह नगर का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल एक्शन मोड में इसमें नजर आ रहे हैं, जहां पर खुद वो निकले और शिकायत ये मिली थी कि जो नाली बनाई जा रही है यहां पर वो काफी घटिया क्वालिटी से बनाई जा रही है। यानी कि जो सीमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ईंट इस्तेमाल की जा रही है, वो बेहद हल्की है, बहुत लो क्वालिटी की है। और इसी शिकायत के बाद मेयर एक्शन मोड में नजर आए। मेयर रामपाल खुद मौके पर पहुंचे, खुद जायजा लिया और जब ईंटों को हाथ में लिया गया तो वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितनी जल्दी टूट रही है। और एक्शन लेते हुए उन्होंने तुरंत ये दोबारा नालियां बनवाने के निर्देश दिए हैं। सख्ती उनकी तरफ से देखने को मिली है। इस केस में क्या हुआ, ठेकेदार ने हमें बताया ही नहीं और जाके उसने नाली का निर्माण शुरू कर दिया और उसने करंजा बनाना शुरू कर दिया है। उसमें अनियमितता यह है कि एक तो पीली ईंट इस्तेमाल की गई, दूसरा उसमें बेस नहीं डाला गया, टॉप नहीं डाला गया और बिना बताए काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो हम ये उसको लेटर इशू कर दिया है हमने उसको ठेकेदार को, और हम उसको अगर वो काम करता है ये सारा उखाड़ के तब तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर हम उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे। तो ये आपने खुद सुना किस तरीके से नगर निगम के जो मेयर है रामपाल, वो कह रहे हैं कि वो खुद मौके पर पहुंचे थे और खुद उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया, जो कि इस फुटेज में भी नजर आ रहा है। और सराहनीय काफी ये है कि इस तरीके से अगर एक्शन लिया जाता है तो जो भ्रष्टाचार किया जाता है अक्सर ठेकेदारों की तरफ से कम कम होगा। तो ये फुटेज जो है वो वायरल हो रहा है मेयर का और शिवनगर वार्ड नंबर 7 का ये बताया गया है। और इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र मोहन गौड़ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इस पूरे वीडियो फुटेज की अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके से शिकायत यहां पर मेयर साहब को मिली थी और इस फुटेज को लेकर क्या कुछ बात सामने आ रही है, कब का ये फुटेज बताया गया है? ये एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया में जिसमें जो रुद्रपुर के मेयर है रामपाल वो निर्माण कार्य को चेक कर रहे हैं और निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है, ईंटें इतनी कमजोर है कि टूट जा रही है। ये वीडियो 2-3 दिन से वायरल हो रहा था। इस मामले में जब हमने मेयर रामपाल से पता किया तो उन्होंने लगभग 3 या 4 दिन पुराना वीडियो बताया है। उन्होंने उनका कहना है कि वह उन्हें पता चला था कि निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें काफी घटिया निर्माण हो रहा है, तो उस पर स्वयं मौके पे गए और उन्होंने चेक किया तो बहुत ही घटिया था, जिसको लेकर उन्होंने लताड़ भी लगाई ठेकेदार की और ठेकेदार से कहा है कि वो फिर से पूरा काम करेगा और इसके लिए नोटिस भी जारी किया है। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा मामला नहीं है, भ्रष्टाचार के निर्माण कार्य में ये घटना है पहली घटना नहीं है। रुद्रपुर में कई बार इस तरह की और भी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त हमारे साथ रामपाल जी कुछ जुड़ चुके हैं, नगर निगम के मेयर रुद्रपुर के। बहुत स्वागत है रामपाल जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कब का ये फुटेज है और किस तरीके से आपको सूचना मिली कि घटिया तरीके से यहाँ पर नालियों का निर्माण किया जा रहा है? अब से 3 दिन पहले मैम हमें एक बंदे ने बताया कि जो आपका निर्माण कार्य चल रहा है बिल्कुल घटिया दर्जे का है और उसकी ईंटें पीली लगाई जा रही हैं। तो मैं मौके पे पहुंचा तो हमारे जो नॉर्म्स हैं हमने जो तय कर रखे हैं कि जब सड़क बनेगी तो सड़क बनने से पहले उसमें एक फुटेज उसकी हम फोटो खींचेंगे जिसमें हमारा इंजीनियर फोटो में दिखना चाहिए वहां खड़ा हुआ, जो सतही तौर पर वहां निरीक्षण करेगा। वो भी नहीं कराया ठेकेदार ने। फिर जो बेस डालते हैं बेस भी उसने नहीं डाला था। इस तरीके से कई अनियमितताएं उसमें पाई गई, तो उसको तात्कालिक प्रभाव से हमने उसको काम को रुकवा दिया गया है।
और इस तरीके से कोई भी काम अगर हमारे पूरे नगर निगम क्षेत्र में अगर क्वालिटी से समझौता करके होता है तो हम उसे किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये हमने प्रण लिया है और इसको हम कमिटमेंट करके जनता से आए हैं और हम इसे पूरा करेंगे। बिल्कुल रामपाल जी, बेहद सराहनीय ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी यहाँ पर निभा रहे हैं, उस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं आम जनता के काम के लिए। रामपाल जी, जैसा कि यहाँ पर ठेकेदार को आपने दोबारा से काम करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि एक बार ठेकेदार ये लापरवाही कर चुका है, ये भ्रष्टाचार ही सीधे तौर पर कह लीजिए, जो यहाँ पर घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल हो रहा था, ऐसे में उसको क्या चेतावनी दी है कि दूसरी बार अब जब वो काम करेगा तो ऐसे घटिया सामग्री इस्तेमाल ना करे वो? उसको हमने एक लेटर दिया है कि ये जो नॉर्म्स हमारे जो तय थे उस नॉर्म्स के आधार पर सामग्री लगा के निर्माण करे, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको हम ब्लैकलिस्ट करेंगे और आइंदा उसको निगम के किसी भी कार्य में उसको भागीदार उसको नहीं होने देंगे। जी रामपाल जी, जो प्रक्रिया से जी रामपाल जी, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, आपने ज्यादा पास से ये सब चीजें देखी कि कितना घटिया सामान इस्तेमाल किया जा रहा था। सर किस किस क्वालिटी का ये सामान था, कितना घटिया ये सामान था, क्योंकि ईंट जो हम देख पा रहे हैं फिलहाल वो बहुत आसानी से टूट जा रही है। वो एक्चुअली क्या है ना मैम, हमने अव्वल दर्जे की जो ईंट आती है नंबर वन, हमने उसका ठेका दिया है, उसी का हम पेमेंट कर रहे हैं जी। लेकिन जो मौके पे जाके देखा गया है तो बिल्कुल पीली जो सबसे घटिया दर्जे की जो थर्ड क्वालिटी की ईंट थी वो इस्तेमाल हो रही थी। रेता जो हम कहते हैं कि भाई स्टोन क्रेशर का रेता इस्तेमाल करेंगे वो भी किसी घटिया से नदी का रेता था जी। इस तरीके से ओवरऑल सारी चीजें जो वहां पर पाई गई वो नियमों के विरुद्ध थी और क्वालिटी बहुत ही लो क्वालिटी की थी, इसीलिए उसको चेतावनी का लेटर दिया गया है कि या तो वो सारी चीजें तोड़ के दोबारा से बनाएगा जी, और अगर एज पर नॉर्म वो नहीं बनाता है तो फिर हम उसको ब्लैकलिस्ट करके उसको टेंडर प्रक्रिया से उसको अलग करें। बिल्कुल सर, अभी तक अगर बात कर ली जाए तो कितने दिन से ये नाली बनाने का काम चल रहा था, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत जो तस्वीर में हमें नजर आ रही है नाली बनी हुई है, तो कितनी ज्यादा ये नाली अभी तक बनी थी या थोड़ा ही काम अभी तक हो पाया था? नहीं, ये अभी लगभग इसने नाली पूरी कंप्लीट कर ली थी। हाँ। क्योंकि ये जो हमारा एक तय नॉर्म थे कि आप जो हमारे इंजीनियर को लेके जो स्थलीय निरीक्षण कराएंगे जी। और उस फोटो में हमारे इंजीनियर की फोटो आनी चाहिए जी। वो काम वो फोटो उसने ली नहीं ठेकेदार ने और बिना निगम से पूछे वो काम स्टार्ट करा दिया है जी। तो इसलिए वो उस मामले में भी दोषी है और ये पूरी नाली तोड़ के वो दोबारा बनाएगा, नहीं बनाएगा तो ब्लैकलिस्ट होगा और उसकी जो धरोहर राशि उसकी जो हम जमा करते हैं वो जब्त कर ली जाएगी। बिल्कुल रामपाल जी, जो शिकायत आपको मिली वो किसकी तरफ से मिली सर, स्थानीय लोगों की तरफ से मिली या फिर किसी और की तरफ से यहाँ पर शिकायत मिली कि जो सामग्री है बहुत निम्न स्तर की यूज की जा रही है इसमें? ये वहीं के रहने वाले दो चार लोग आए थे, उन्होंने बताया तो हमने इमीडिएट जैसे ही सूचना मिली वैसे ही हमारे नगर आयुक्त महोदय और मैंने जाके वहां पर मौके पर निरीक्षण किया। बहुत बहुत सराहनीय काम है सर आपकी तरफ से और ऐसे ही जनप्रतिनिधियों की जरूरत है हमें, जो इस तरीके से लगातार लोगों के बीच जाएं और देखें कि हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत किस तरीके से काम हो रहा है। रामपाल जी, अभी अगर बात की जाए जो ठेकेदार है, क्या डायरेक्ट फंडिंग यहाँ पर ठेकेदार को होती है या फिर बीच में कोई मीडिएटर भी होता है जो पैसा पहुंचाता है? नहीं नहीं, उसमें जब काम पूरा हो जाता है और हमारा इंजीनियर मौके पे जाके देखता है, जो बिल फाइनल बना देता है उसके बाद ही उसको पेमेंट होता है। ठीक सर, ठेकेदार की तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि आप मौके पर पहुंचे, आपने यहाँ पर जाहिर तौर पर डांटा भी होगा इस काम के लिए, जो घटिया काम उन्होंने किया है जिस तरीके से, ठेकेदार की तरफ से कोई बात कही गई इसको लेकर, क्यों इतना घटिया सामग्री उसने इस्तेमाल की इसमें जबकि पैसे अच्छी क्वालिटी के वो ले रहा है? ठेकेदार उसमें मिला नहीं, उनका मुनीम था जो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है, और ठेकेदार अभी तक हमारा यहाँ निगम में आया नहीं है, हालांकि हमने उसको चिट्ठी जारी कर दी है। ठीक रामपाल जी, जो ये काम होते हैं अक्सर हम ये देखते हैं कि इस तरीके के काम जब भी होते हैं तो ये घपला बीच में जरूर होता है, सर कहाँ चूक रह जाती है यहाँ पर? इसमें मैम जब मिली भगत होती है ऊपर से नीचे तक जी। जो कमीशन का जो बंटवारा होता है वो जब तक वो बंटवारे की चैन बनी रहेगी तब तक क्वालिटी मिली नहीं सकती है जी। वो चैन हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्वालिटी हमारे नगर निगम को मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो एक्शन लिया गया है यहाँ पर आपकी तरफ से वो बेहद सराहनीय यहाँ पर रहा है, क्योंकि जो घटिया नाली यहाँ पर बनाई जा रही थी उसको रोक दिया गया, दोबारा से यहाँ पर रामपाल जी की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि नाली का निर्माण दोबारा हो, क्योंकि जो पैसे यहाँ पर ठेकेदार को पहुंचाए जा रहे थे वो अच्छी क्वालिटी के लिए पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन अक्सर ऐसी घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है, पैसे पेमेंट जो है वो सही की ली जाती है लेकिन जो इस्तेमाल किया जाता है सामान वो बेहद
निम्न क्वालिटी का होता है।